केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कृषि के क्षेत्र में पिछले सात वर्षों के दौरान हुए अनेक उल्लेखनीय कार्य गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भिलाई इस्पात संयंत्र को केंद्र के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का जीवंत प्रतीक बताया प्रदेश में कल से शुरू हो रही है धान खरीदी पहले दिन से ही किसानों को मिलेगी अपने बारदाने में धान बेचने की सुविधा और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आरोप राज्य सरकार के निर्णय से करीब 14 लाख गरीब नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना से हुए वंचित नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूं अनुराधा दुबे अब समाचार विस्तार से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि के क्षेत्र में पिछले सात वर्षों के दौरान जो कल्याणकारी कार्य किए गए हैं वे इससे पहले नहीं हुए थे नई दिल्ली में संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन सात वर्षों में किसानों के विकास के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं कि मोदी जी किसानों के प्रति और कृषि के प्रति प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे उनके सात साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हुए वो पहले भी कभी भी कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भविष्य में कृषि कानूनों को नए स्वरूप में पेश करने से पहले किसानों और किसान संगठनों से व्यापक चर्चा की जाएगी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हर आवश्यक पहल करने को तैयार है गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भिलाई इस्पात संयंत्र को केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का जीवन प्रतीक बताया है अपने भिलाई प्रवास के दौरान गुजरात के राज्यपाल ने दूरदर्शन समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि भिलाई एक लघु भारत की तरह है यहाँ के इस्पात कारखाने में बनने वाला लोहा देश और दुनिया के कोने कोने में भेजा जाता है राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं को देश के लिए बहुत अनिवार्य बताया और आप लोगों ने जैसा मुझे बताया कि ये रायपुर भिलाई का ऐसा क्षेत्र है कि जब से यहाँ पर ये भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ है तो पूरा देश के कोने कोने के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और लोगों में जो एकता भाव स्नेह भाव अपनापन सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं तो ये भारत की एक विशेषता रही है विभिन्न भाषाओं के होते हुए विभिन्न धर्मों से संबंध रखते हुए भी यहाँ की संस्कृति सदा समावेशी संस्कृति रही है और वही विचारधारा हमारे संविधान का पालन करते हुए हमें और उन्नति की ओर ले जा सकती है और इसी विचार से श्रेष्ठ भारत एक भारत का सपना भी साकार होगा किसानों की समस्याओं पर बात करते हुए गुजरात के राज्यपाल ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनका जोखिम कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है आज हम कहीं पर भी पानी नहीं पी सकते इतना अशुद्ध पानी हो गया सारी धरती में कीटनाशक यूरिया डीएपी अब वो पानी नीचे के वोटर में मिल करके पीने लायक भी नहीं बचा है तीसरा इस प्राकृतिक खेती में पानी की लागत कम हो जाती है जो पानी हम इतना बर्बाद करते हैं प्राकृतिक खेती में वो पानी की मात्रा कम प्रयोग में होती है और इस खेती के करने से लोगों का जो स्वास्थ्य है जब जहर मुक्त आहार लेंगे अब मैं आपसे ही पूछता हूँ चालीस पचास साल पहले जब हमारे यहाँ ये रासायनिक खेती नहीं थी हार्ट अटैक को कौन जानता था डायबिटीज़ को कौन जानता था कैंसर को कौन जानता था ये सारी बीमारियाँ और इतने असाध्य रोग हमारे इस जहरीले खान पान के परिणाम आगे बढ़े हैं राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने समग्र भारत के उत्थान और विकास की दृष्टि से लोगों में एक जन चेतना जागृत करने का अभियान चलाया है उन्होंने कहा कि देश के लोगों में एकता का भाव पैदा करने की दृष्टि से ये अभियान सफल रहा है आचार्य देवव्रत ने कहा कि विभिन्न भाषाओं और धर्मों के साथ भारत की संस्कृति एक समावेशी संस्कृति रही है और यही विचारधारा हमारे संविधान की मूल भावना भी है प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि प्रदेश में कल से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो रही है इसके लिए सभी प्राथमिक सहकारी समितियों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में ये निर्णय लिया है कि पहले दिन से किसान अपने बारदानों में धान ला सकेंगे में एक दिसंबर से लगभग उत्सवी माहौल है किसानों के बीच में हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है पिछले साल की तुलना में इस साल भी धान खरीदी केंद्र हमने बढ़ाए हैं हमारा लक्ष्य भी बढ़ा है और आने वाले समय में हम धान की खरीदी की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं हालांकि केंद्र सरकार को जो लगभग साढ़े लाख गठान बारदाना की सप्लाई करना था जूट कमिश्नर को आदेश होने के बाद भी अभी एक लाख गठान की सप्लाई नहीं हो पाई है उसके बावजूद भी राइस मिलर से पुराने बारदाने पीडीएस के दुकानों से पुराने बारदाने और आदरणीय तो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि प्रथम दिन से ही किसान अपने पुराने बारदाने में भी धान ला सकते हैं अब टोकन कटने का काम पंजीयन का काम, का काम लगभग समाप्त है अब टोकन कटने के बाद कल से तौल होने का काम हमारे धान खरीदी केंद्रों में प्रारंभ हो जाएगा श्री चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार से फिलहाल करीब साढ़े पांच लाख बारदाने देने का अनुरोध किया गया है उन्होंने कहा कि राइस मिलरों को भी पुराने बारदानों की व्यवस्था करने को कहा गया है इस बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में धान खरीदी केंद्रों में टोकन लेने के लिए आज से ही किसानों की भीड़ उमड़ने लगी है किसानों की सुविधा के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं राजनांदगांव जिले के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 146 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं राजनांदगांव जिला महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है इसलिए अन्य प्रांतों से आने वाले धान को रोकने के लिए जिले के विभिन्न जगहों में छह चेक पोस्ट बनाए गए हैं छियालीस धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदा जाना है और लगभग इस बार 80 लाख क्विंटल धान आने की उम्मीद हम लोगों ने की है और इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई है और हमारा उद्देश्य है कि किसान को धान खरीदी केंद्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े प्रथम दिवस से बारदाना किसान बारदाना सरकार ने अलाउ किया है हम उसके लिए किसानों को अनुरोध कर रहे हैं कि वह अपने बारदाना में लाएं बारदाने की थोड़ी समस्या है लेकिन किसान बारदाना में लाने के बाद कोई समस्या नहीं रहेगी सभी सोसाइटीज़ में इसकी तैयारी हो गई जिला कलेक्टर ने बताया कि इस वर्ष नौ नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं उन्होंने बताया कि किसान टोकन में दी गई तारीख के आधार पर उसी दिन अपना धान बेच सकते हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की कमजोर नीति के कारण छत्तीसगढ़ के करीब 14 लाख गरीब नागरिकों को केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने मकानों से वंचित होना पड़ा है बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र से गरीबों को मिलने वाली राशि में प्रदेश का अंशदान नहीं हो पाने से हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिल सका डॉ रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के कमजोर प्रबंधन की वजह से प्रदेश के गरीबों का अहित हो रहा है पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए रेडी टू ईट का प्रबंधन हरियाणा के एक कारोबारी को दे दिया है इस वजह से प्रदेश के ग्यारह हजार से अधिक स्व समूह की महिलाओं का रोजगार भी छिन गया है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ को नहीं मिलेगा जो बड़ा लक्ष्य था 2022 तक सबके लिए आवास पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है अकेला उदाहरण छत्तीसगढ़ है जो इतना बड़ा नुकसान कि 11,800 करोड़ रुपया इस मकान के एवज में 60 परसेंट की राशि ग्यारह हजार करोड़ रुपया इतनी बड़ी राशि जो राज्य सरकार को मिलना था केंद्र सरकार के द्वारा उस राशि को लेने में असफल हुई है यानी 11000 ग्यारह हजार करोड़ का नुकसान स्टेट के गरीबों का हो गया जो गरीब सात लाख मकान बनाते उनके पहला किस्त दिया जा चुका है दूसरा किस्त दिया जा चुका है मकान ध्वस्त हो जाएगा तो और ये ये तो इस साल का है अगले साल के बजट में इतने ही मकान मिलते जो सात लाख मकान वो मकान का भी नुकसान हुआ इस प्रकार लाख से ज्यादा आवास का नुकसान छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की कुछ अन्य लाभकारी योजनाओं को लागू करने में भी राज्य सरकार पिछड़ रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कथित नाकामी के कारण छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग कर दिया गया है इस वजह से केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को मिलने वाला करीब बारह हजार करोड़ रुपए भी अब छत्तीसगढ़ को नहीं मिल सकेगा डॉक्टर रमन सिंह ने इस स्थिति के लिए राज्य सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक करीब एक करोड़ सत्ताईस लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर इस समय अंठानवे प्रतिशत से कुछ अधिक है जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सब से सबसे ज्यादा है पिछले २४ घंटों में दस हजार एक सौ सोलह लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं इन्हें मिलाकर संक्रमण से मुक्त होने वालों की कुल संख्या तीन करोड़ चालीस लाख हो गई है इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या एक है कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश कल से प्रभावी हो जाएंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए बाहर से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिन का यात्रा विवरण और निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है आरटीपीसीआर जांच यात्रा शुरू करने के बहत्तर घंटे के अंदर कराई जानी चाहिए इस बीच प्रदेश में पिछले तीन दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है कल प्रदेश में कोरोना के 16 नए मरीज सामने आए इनमें से पाँच मरीज रायपुर जिले के हैं प्रदेश के रायपुर दुर्ग और रायगढ़ जिलों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने से राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है अब कुछ खबरें जिलों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरबा जिले में इन दिनों टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिला प्रशासन के इस अभियान में कोरबा सहित करतला और कटघोरा विकासखंड में 400 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाकर पहले डोज का शत प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है इसके तहत अधिक से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है इस अभियान में तीनों विकासखण्ड के नगरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग पचहत्तर हजार लोगों को कोविड टीकाकरण लगाने का लक्ष्य रखा गया है जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी बी बोर्डे ने बताया कि इस अभियान के पहले दिन उन्नीस हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया साथ ही अभियान के दौरान वैक्सीन का पहला डोज लगाने से बचने लगभग बहत्तर हजार लोगों का प्राथमिकता से टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लोगों को तो जो फर्स्ट डोज है वैक्सीनेशन का वो हम लोग को करना है और इसी के आ, को पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने एक अभियान जैसा हमारे यहाँ चलाया है और अभियान के प्रारंभ में जो है हम लोगों ने कोरबा कटघोरा और करतला ये तीन ब्लॉक को लिया है और आ, जैसा कि 29 तीस और एक एक तारीख को हमारा ये अभियान है इस इसमें जिला प्रशासन है और शिक्षक लोग हैं सचिव महोदय हैं सरपंच महोदय हैं और जिले के सभी लोग इसमें भागीदारी के साथ हमारा सहयोग कर रहे हैं इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार